थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल LNJP को 100 बेड से अपग्रेड करके 200 बेड का अस्पताल बना दिया है। इस अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए 95 नए पद भी सृजित किए गए हैं। अब इस अस्पताल में प्रधान चिकित्सा अधिकारी PMO का पद भी शामिल किया गया है। इस अस्पताल को अपग्रेड करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कुरुक्षेत्रवासियों को कोरोना काल में एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। विधायक सुभाष सुधा आज अपने आवास कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कुरुक्षेत्रवासियों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए कुछ समय पहले मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष LNJP अस्पताल को 100 बेड से 200 बेड का अस्पताल बनाने की मांग रखी थी। इस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री के समक्ष LNJP अस्पताल को 50 बेड से 100 बेड का अस्पताल करने की मांग रखी थी और सरकार ने इस अस्पताल को 100 बेड का करके नगरवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम किया। इसके बाद सरकार से 100 से 200 बेड का अस्पताल करने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव पर सरकार ने 200 बेड के अस्पताल की मंजूरी दे दी है। इस LNJP अस्पताल को 100 बेड से अपग्रेड करके 200 बेड का कर दिया गया है और 95 नए नियमित पद भी सृजित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब स्वीकृत प्लान के तहत बजट में भी इजाफा किया जाएगा और राज्य सरकार निर्धारित पे स्केल पर नई भर्तियां भी करेगी। सरकार के आदेश अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती भी मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा जारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत की जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से कुरुक्षेत्र वासियों को अब उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाएगा और अधिक से अधिक मरीजों का इलाज भी संभव होगा। इस प्रक्रिया पर राज्य सरकार का लाखों करोड़ रुपए का बजट भी खर्च होगा। सरकार के समक्ष अस्पताल के पुराने भवन के स्थान पर नए भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के अनुसार अस्पताल का नया भवन आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस होगा। उन्होंने नगरवासियों की ओर से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सरकार के प्रयासों से कोरोना काल में अस्पताल को अपग्रेड करके एक अनोखा कार्य किया गया। अब अधिक से अधिक कोविड मरीजों का इलाज भी संभव हो जाएगा। इस मौके पर भाजपा के युवा नेता साहिल सुधा भी मौजूद थे। बता दें कि विधायक सुभाष सुधा के अनुसार इस नए अस्पताल में 100 बेड बढ़ने से अब यह अस्पताल 200 बेड का हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर का एक पद, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 2 पद, मेडिकल ऑफिसर के 13 पद, डेंटल सर्जन का 1 पद, सहायक मैट्रन का 1 पद, नर्सिंग सिस्टर के 5 पद, स्टाफ नर्स के 55 पद, फार्मासिस्ट के 2, लैब टेक्नीशियन के 4 पद, डेंटल सहायक का मैकेनिक का 1 पद, रेडियोग्राफर का 1 पद, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 5, प्लास्टिक टेक्नीशियन के 1, डाइटिशियन के 1, लेखाकार सहायक का 1 पद, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद, केयर टेकर का 1, सीनियर स्टेनोग्राफर का 1 सहित कुल 95 पद होंगे। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग सर्विस के तहत मुख्य सचिव द्वारा जारी पॉलिसी पार्ट 1 के तहत इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर, कुक, धोबी, चौकीदार, माली, चतुर्थ श्रेणी स्वीपर, सुरक्षा कर्मी, चौकीदार, वार्ड सर्वेंट, ड्रेसर आदि पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा प्रदेश के हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैंने बहुत समय से 200 बेड के लिए डिमांड रखी थी, जिसमें 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा तैयार हो गया था और आज क्षेत्रवासियों को हमने 100 बेड का और 200 बेड का आज इश्यू हो जाएगा। आज 200 बेड हमने क्लियर कर दिया है, तो आज हमारे पास लेटर भी आ गया है 200 बेड का। आज मतलब बिल्डिंग 100 बेड की हमारी ऑलरेडी तैयार है। 50 बेड की हमारा जो पुराना था उसको स्ट्रक्चर को तोड़कर 100 बेड का होगा, लेकिन 200 बेड की सेंक्शन आ चुकी है। स्टाफ जो है आज से ही 200 बेड का काम शुरू होना शुरू हो जाएगा। आज उनके लिए जो 90 पोस्टें हैं उसके लिए भी आज गवर्नमेंट ने उसकी चिट्ठी दे दी है, उसे भरा जाए और तुरंत उसको काम किया जाए। ये बहुत बड़ी एक, मैं कहूँगा शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। बहुत दिनों से हमारी डिमांड चल रही थी। साथ साथ में हम कहेंगे हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं उतनी मात्रा में हमारे हॉस्पिटल में आ रही है। लगभग 350 बेड आज ICU के, वेंटिलेटर के टोटल बेड हमारे लगे हुए हैं। उसके अलावा हमने आइसोलेट के लिए 50 बेड हमने गीता स्कूल में भी हम रखे हुए हैं। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। भोजन का भी हमने कार्यक्रम, जब भी डिमांड निकलती है हमने यहाँ पर एक गीता रसोई के नाम से हमारे पुराने विद्यार्थियों ने शुरू कर रखी है, वहाँ से जो भी टेलीफोन करता है घर पे भोजन बताया जाता है। इसके साथ साथ हमारे सैफन होटल में भी हमने एक रखा है, वहाँ भी पूरा नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से भी किसी को डिमांड है उसके वहाँ से भोजन दिया जाता है। इसके साथ हमें डर ये है कि अब गाँव के अंदर भी कोरोना बढ़ सकता है, उसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी जितनी भी CSC PSC हैं सब पर हम आदरणीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी ने अभी कहा है और हम वहाँ पर पूरी तैयारी हम कर रहे हैं।
और वहाँ पे पूरे बेड की अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव के अंदर हमारा कंट्रोल है, और मैं तो जनता से एक बहुत बड़ी अपील यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर करें, दूरी बना के रखें, और इससे सबका प्रयोग करें और अपनी लाइफ को सेफ रखें। और मैं तो यही कहूँगा, आज जो है शहर का क्षेत्रवासी तह दिल से आदरणीय मैं विधायक के नाते मुख्यमंत्री जी मनोहर जी का, आदरणीय नीलवे जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 200 बेड किया आज डिक्लेयर किया। आज से ही खबर नमा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश मधुवा की रिपोर्ट।